हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो भी देखिए, आप पेपर में एक चीज़ देख रहे होंगे कि सरकारी स्कूल में निजी क्षेत्र के लोग देंगे शिकायत। देखिए, इसका मतलब भी हम समझाएंगे कि क्या होगा, समझे। बिहार में टीचर की बहाली अब कैसे होगा, ये सब चीज़ बताएंगे, समझे। और इधर एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, अस्थायी शिक्षक कौन शिक्षक होता है? एक नियोजित शिक्षक आप लोग जानते होंगे, एक परमानेंट शिक्षक होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बताया जाएगा, समझे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, पहले इसको बताते हैं फिर उस पर हम आते हैं। देखिए, लिखा हुआ है सरकारी स्कूल में निजी क्षेत्र के लोग देंगे सेवा। अब देखिए, निजी क्षेत्र के लोग कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक चीज़ आप जानते होंगे कि अब सरकार जो, देखिए, आर्मी वाला में, अब सेना वाला में देख ही लिए कि 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, सेम वही वही चीज़ अब आएगा, समझे, कि जिसको मन है वो पढ़ा सकता है। कोई रिटायर्ड शिक्षक है तो सरकार अपना पर भार नहीं लेना चाहती है, समझे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताते हैं फिर आपको समझाते हैं, दोनों चीज़ समझाएंगे। देखिए, लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की विद्यांजलि योजना आई है। देखिए, विद्यांजलि योजना क्या है कि एक तरह का, जो भी लोग पढ़ाना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपका वहाँ का बीओ डीओ आपका जांच करेगा, फिर आपको क्या करेगा कि पढ़ाने के लिए मौका देगा, समझे। तो वही लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की विद्यांजलि योजना आई है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक और आर्थिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा और गुणवत्ता सुधार में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोगों की मदद ली जाएगी। उन्हें जो भी लोग चाहते हैं कि हम स्कूल में अच्छा हम पढ़ा सकते हैं, तो सरकार उनको क्या देगी, मौका देगी। अब देखिए, उनको पैसा मिलेगा, क्या होगा, अस्थायी शिक्षकों की बहाली होगी कि नहीं होगी, ये पर भी हम बात करेंगे, समझे। मदद ली जाएगी, यानी अब सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोग भी सेवा देंगे। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। गया जिले में विद्यांजलि योजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। इस संबंध में 25 जून को एक बैठक भी होने वाली है, समझे, पढ़ाने और सेवा देने का मौका। अब देखिए क्या लिखा है, विद्यांजलि योजना के तहत युवा पेशेवर सेवानिवृत्त शिक्षक, यानी जो रिटायर्ड शिक्षक है, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो होता है, निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट कंपनियों से जुड़े लोगों को सरकारी स्कूल में सेवा देने का मौका मिलेगा। यानी अगर कोई युवा या सेवानिवृत्त अधिकारी स्वेच्छा से सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चों को अपने अनुभव का लाभ देना चाहते हैं, तो उन्हें मौका मिलेगा। इसी तरह अगर कोई निजी क्षेत्र की कंपनी किसी सरकारी स्कूल के आधारभूत संरचना को, अब देखिए सरकार अब इसमें नहीं करेगी, मतलब निजी कंपनी इसको ठीक करेगी, देख रहे हैं मतलब क्या देश में होने जा रहा है, समझे, आधारभूत संरचना को बेहतर करने के लिए मदद करना चाहती है तो वो कर सकती है, समझे। विद्यांजलि योजना को गया जिले में लागू करने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर 25 जून को सभी बीओ बीआरपी डाटा ऑपरेटर की बैठक हरिदास सेमिनरी स्कूल में बुलाई गई है। बैठक में स्कूलों को रजिस्ट्रेशन को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। अब देखो, वो चीज़ बताया, बैठक तो हो गया है, अब देखिए क्या निर्देश दिया जाएगा वो देखिएगा। लिखा हुआ है सभी स्कूलों का होगा रजिस्ट्रेशन, जितना भी सरकारी स्कूल है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और जो लोग पढ़ाना चाहते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन, जो भी लोग पढ़ाना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होगा, समझे। तो लिखा हुआ है कि विद्यांजलि योजना के तहत जिले के सभी सरकारी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा। विद्यांजलि के पोर्टल पर सभी स्कूलों को अपनी आवश्यकता बतानी होगी, यानी कुल कितने शिक्षक है, कितने शिक्षकों की कमी है। सरकार ये पूरा नहीं करेगा, तो दूसरा पर छोड़ दिया, समझे, कमी है, किन किन विषयों के शिक्षक नहीं है, स्कूल में पठन पाठन सामग्री क्या स्थिति है। अगर कोई व्यक्ति या महिला सरकारी स्कूलों में स्वेच्छा से पढ़ाना चाहती है, तो कोई संगठन या कंपनी मदद करना चाहता है, तो ऑफिशियली साइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद बीओ के नेतृत्व में आवेदन की जांच होगी और स्कूल में सेवा का मौका दिया जाएगा। अब देखिए, तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, अब इसको बताएंगे अब कि सरकार, मतलब देखिए स्कूल कैसे, तो कोई आदमी कौन फ्री में पढ़ाएगा, समझिए, कर रहा है फ्री में, वेतन उतन कुछ है नहीं, कुछ वेतन देगा तो क्या होगा, इससे कुछ शिक्षा सुधार हो सकता है, कम नहीं, समझे। अब देखिए क्या लिखा, अगर गृहिणी है तो कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होने में, तो आप हाउस वाइफ है, कुछ काम करना चाहते हैं स्कूल में, तो आप 12th पास रहिए तब आपको मौका दिया जाएगा। अगर कोई भारतीय प्रवासी है तो कम से कम 12th पास होना चाहिए। यदि कोई यानी मतलब भारत से अलग हो तो उसके पास OCR कार्ड जरूरी है। कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति है तो स्नातक होना चाहिए, समझे। तो ये सब चीज़ है, समझे। अब देखिए इससे क्या होगा,
कि सरकार इस पर देखिए सातवां चरण का बहाली आ रहा है, उसके बाद हमको लग रहा है फिर बहाली कब आएगा क्या होगा समझे, ये सब देखिएगा आप समझे। और इधर आप समझाते हैं ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अब इधर देखिए इसको हम समझाते हैं, लिखा हुआ है कि स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट। अब इसका मतलब समझिए, अब कन्फ्यूज थोड़ा हो जाइएगा, इसका मतलब बताते हैं। देखिए अस्थायी शिक्षक का मतलब क्या होता है कि देखिए पहले जो परमानेंट टीचर होते थे ना, जो सुनते थे जिसका महीना बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी सुनते हैं, तो सब अस्थायी शिक्षक जिसका BPSC क्या लेती है, बहाली लेती है। और एक होता है नियोजित शिक्षक समझे, अस्थायी शिक्षक को नियमित शिक्षक कहते हैं, और एक होता है नियोजित शिक्षक जिसे बोलते हैं हम लोग अस्थायी शिक्षक समझे, वो भी शिक्षक होते हैं, उनका भी सब चीज़ होता है समझे। तो नियोजित शिक्षक का बहाली होगा तो अस्थायी शिक्षक जो BPSC कराती थी उसमें समय ज़्यादा लगता था, उसी में क्या लिखा हुआ पढ़िए आप, लिखिएगा लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नेबरहुड स्कूलिंग के जरिए शिक्षा में प्रगति, बालिकाओं के स्कूल आने में बढ़ोतरी, जन्म दर में भारी कमी को देखते हुए राज्य में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती को बंद करने का अनुमति दे दी है। राज्य में नियोजित शिक्षकों की संख्या 5 लाख है जबकि नियमित शिक्षक 60,000 ही है। इस कैडर को सरकार ने ड्रॉइंग कैडर कहा गया है जिसे बंद कर दिया गया है, यानी जो परमानेंट टीचर जो BPSC के द्वारा बहाली होते थे उनको क्या कर दिया गया, अब वैसे बहाली नहीं होगा आपका, नियमित नियोजित टीचर का ही बहाली होगा। लिखा है नियमित शिक्षकों की भर्ती कई समस्या, लिखा है सरकार ने कहा कि नियमित शिक्षकों की भर्ती में राज्य से बाहर के लोगों की आने की आकांक्षा रहती है, इस भर्ती में समय लगता है, वही भर्ती के बाद उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा रहता है, जबकि नियोजित शिक्षकों में यह समस्या नहीं है। एक तो उनकी भर्ती जल्द होती है क्योंकि वे भर्ती पंचायत, ब्लॉक, नगर पंचायत, स्थानीय निकाय करते हैं तथा स्थानीय उम्मीदवार को ही भर्ती किया जाता है। इस फैसले का दूरगामी असर है क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इसके कारण 36,998 करोड़ रुपए की सालाना बचत रहती है। अब देखिए क्या है, बचत करती है तो इससे राज्यों के शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए देनी पड़ती है। देश में हर राज्य में RTI शिक्षा के अधिकार कानून की जरूरत को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्रों और नियोजित शिक्षकों को रखा गया है समझे। अब देखिए नियोजित शिक्षकों को भी मुआवजा देकर हटाने की योजना, अब देखिए सॉरी नियमित शिक्षक है, देखिए लिखा इस फैसले से बिहार सरकार की 64,000 करोड़ रुपये की बचत भी हुई है। तो इसे नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षक की बराबर वेतन देने पर एरियर के रूप में देनी पड़ती है समझे। इतना ही नहीं राज्य सरकार को इससे राज्य को 10,660 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत भी होगी, यानी वो टीचर लोग को क्या होगा ये हटा दिया जाएगा और जो नियमित जो नियोजित है उन्हीं को रखा जाएगा समझे। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ तो अभी चलिए रहा, कहाँ नियमित टीचर का बहाली होता है, नियोजित टीचर का ही बहाली होता है बिहार में। तो ये सब चीज़ सोचिए कि आपको बता देते हैं समझे। थैंक यू।